दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन चलने से बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है। इसके बीच भारतीय रेलवे आम नागरिकों के हित में एक और कदम उठा सकती है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक रेलवे कम दूरी की वंदे भारत ट्रेनों के किराए की समीक्षा कर रहा है ताकि कीमतों को कम किया जा सके। इससे वंदे भारत ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अनुकूल बन सकती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कम व्यवस्था वाली कुछ ट्रेनों को छोड़कर इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की ज्यादातर सर्विसेज वर्तमान में पूरी व्यवस्था के साथ चल रही है। सूत्रों ने कहा है कि इंदौर भोपाल, भोपाल जबलपुर और नागपुर बिलासपुर एक्सप्रेस जैसी वंदे भारत ट्रेनों के साथ साथ कुछ अन्य ट्रेनों की भी इस कैटेगरी में आने की संभावना है। पीटीआई के मुताबिक जून के अंत के आंकड़ों के अनुसार भोपाल इंदौर वंदे भारत सेवा में केवल 29% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जबकि इंदौर भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस की वापसी यात्रा में केवल 21% ऑक्यूपेंसी थी। दोनों शहरों के बीच यात्रा में लगभग 3 घंटे लगते हैं और प्रति यात्री एसी चेयर कार टिकट के लिए ₹950 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए ₹1525 खर्च आता है। सूत्रों ने बताया कि इस ट्रेन का किराया काफ़ी कम किया जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सबसे लंबी यात्रा लगभग 10 घंटे की है और सबसे छोटी यात्रा लगभग 3 घंटे की है। एक अन्य ट्रेन जिसकी किराए की समीक्षा की जा रही है वह है नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी औसत ऑक्यूपेंसी लगभग 55% है। लगभग 5 घंटे 30 मिनट की यात्रा के समय के साथ आम धारणा यह है कि यदि कीमतें कम कर दी गई तो यह बहुत बेहतर होगा। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया ₹2045 है, जबकि चेयर कार का किराया ₹1075 है। कम व्यवस्था के कारण मई में इस ट्रेन को तेजस एक्सप्रेस से बदल दिया गया था। सूत्रों ने कहा कि भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में 32% सीटें भरी है, जबकि वापसी यात्रा में जबलपुर भोपाल वंदे भारत सेवा में 36% सीटें भरी है, इसलिए किराए में कटौती की संभावना है। दोनों शहरों के बीच 4.5 घंटे की यात्रा में भोपाल से जबलपुर तक एसी चेयर का किराया ₹1055 है, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार टिकट की कीमत ₹1880 है। सबसे ज़्यादा व्यवस्था वाली वंदे भारत ट्रेनों में कासरगोड से तिरुवनंतपुरम ट्रेन सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 183%, तिरुवनंतपुरम से कासरकोड़ा वंदे भारत ट्रेन 176%, गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस 134% शामिल है। वहीं मुंबई सेंट्रल गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस 129%, वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 128%, नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 124%, देहरादून अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस 105%, मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस 111%, सोलापुर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस 104% का भी नाम टॉप लिस्ट में है। अब तक 46 वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं देश के सभी रेल विद्युतकृत राज्यों तक पहुंच चुकी हैं। कुल 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस का बेड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो अन्य ट्रेनों की तुलना में औसतन 1 घंटे की बचत करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।